नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी। दोस्तों, रिक्रूटमेंट की यह नोटिफिकेशन आ रही है माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से। अभी से बस कुछ ही घंटों पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दिया गया है, जहां पर जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी निकाली गई हैं दोस्तों, इसलिए चांसेस काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हैं, तो आप इसके लिए आवेदन ज़रूर करें। 8वीं 10वीं ITI, डिप्लोमा और अप्रेंटिस के कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वैसे तो ये नोटिफिकेशन काफ़ी लंबी चौड़ी है दोस्तों, लेकिन हमने इसको मेन पॉइंट्स को समराइज कर दिया है सिंगल पेज में, तो हम उस सिंगल पेज से सारी इसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम वापस इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आएंगे और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। मेन चीज़ यहाँ पर है दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस को, जिसको हम सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको क्लियर करके बताएंगे और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाला पॉइंट भी है, तो उस पर आप ज़रूर ध्यान दें। तो इस वीडियो में आप आखिरी तक बने रहें दोस्तों, आइए चलते हैं सिंगल पेज पर और देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो दोस्तों माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ रही है। कुल मिलाकर के 30 पदों के लिए, 30 डिफरेंट पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। मुंबई की तरफ से नोटिफिकेशन आ रही है दोस्तों, इसलिए मुंबई ही जॉब लोकेशन रहने वाली है, लेकिन आप देश के किसी भी हिस्से में हैं आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसीज जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस नोटिफिकेशन का, कुल मिलाकर के 1980 यानी कि 1980 वैकेंसीज निकाली गई हैं इन पोस्ट के लिए, जो कि अगर हम इसकी पुरानी नोटिफिकेशंस पर जाएं तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज निकाली गई हैं। क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, 8वीं 10वीं अप्रेंटिस जिन कैंडिडेट्स ने किया हुआ है कंसर्न्ड ट्रेड से, वो ITI और डिप्लोमा के कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 38 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और ये एज कैलकुलेट की जाएगी 1 अगस्त 2019 से। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जो एज लिमिट आपको दिखाई गई है ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए दी गई एज लिमिट है। SC ST OBC और PWD कैंडिडेट्स के लिए एज में पूरी रिलैक्सेशन दी गई है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर एज में पूरी रिलैक्सेशन दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस को सबसे ज़्यादा ध्यान से समझने की ज़रूरत है दोस्तों, देखिए कुल मिलाकर के 3 चरणों में ये सिलेक्शन की जाएगी। सबसे पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्जाम के बाद एक मेरिट बनाई जाएगी, जो कि हर एक कैंडिडेट जिनको की एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के कुछ वेटेज है, वो वेटेज अभी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसको पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और साथ में जो आपने रिटर्न एग्जाम में स्कोर करा है उसके बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट और बनाई जाएगी और उनको कॉल किया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। आखिरी में इन सभी चरणों के जो मार्क्स होंगे उन सब के बेसिस पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन की जाएगी। सैलरी की बात करें तो दोस्तों हर एक वैकेंसी के लिए जो सैलरी है हर एक पोस्ट के लिए वो अलग अलग है, लेकिन अगर मोटे तौर पर बात करें तो 13,200 से लेकर के 83,180 तक रुपये तक ये बेसिक पे रखी गई है। ये सैलरी इन हैंड नहीं है, इसमें और बहुत सारे अलाउंसेस मिला देने के बाद ये जो फिगर आपको नज़र आ रही है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। तो सैलरी की तरफ से आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी एक अच्छा मौका है, तो इसके लिए सैलरी की तरफ से आप बिल्कुल परेशान ना हो, सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि अगर आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि ये एक परमानेंट जॉब नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है जिसका टोटल टाइम पीरियड है 2 साल। तो 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये जॉब है दोस्तों, आवेदन करने से पहले आपको ये बात ज़रूर बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 14 अगस्त 2019 से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 5 सितंबर 2019 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल खुले रहेंगे। लेकिन बेहतर होगा दोस्तों कि आप आखिरी डेट की तरफ न जाएं, जितना जल्दी हो सके आप इसके लिए आवेदन कर दें, क्योंकि जनरली देखा गया है कि शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है तो उसमें जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस होती हैं वो काफ़ी बड़े पैमाने पर आती हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो दोस्तों जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है। इसके अलावा PWD, SC और ST कैंडिडेट्स के लिए किसी भी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क
नहीं रखा गया है। ऑनलाइन माध्यम से दोस्तों आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं www.mazagon.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको आप रेगुलर विजिट करते रहें हर प्रकार की ऑफिशियल जानकारी के लिए। हालांकि इस जॉब से रिलेटेड कभी भी कोई नेक्स्ट अपडेट आती है तो हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर नोटिफाई करेंगे, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए दोस्तों आप मेन ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं और देख लेते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, स्पेशली सिलेक्शन प्रोसेस को जरा देख लेते हैं कि ये क्या दिया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो जारी की गई है और इसमें जो करंट वैकेंसीज हैं साथ में बैकलॉग वैकेंसीज हैं उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर ट्रेड के साथ मेंशन की गई है। वेल्डर, डीजन क्रेन ऑपरेटर, लगभग हर एक महकमे के लिए यहाँ पर मौका है, वैकेंसीज हैं और आप अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैकेंसीज लगभग हर एक महकमे में निकाली गई हैं। इसके अलावा जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज हैं वो 922 हैं और सभी कैटेगरीज़ की वैकेंसीज़ को मिला देने के बाद 1980 वैकेंसीज़ के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अलावा क्वालिफिकेशंस की भी डिटेल यहाँ पर दी गई है। एसी रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के लिए अगर आप एसएससी पास हैं साथ में या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने पास किया हुआ है, साथ ही अगर आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास है, पास किया हुआ है आपने जो ट्रेड होता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से जितने भी ट्रेड हैं जो वैकेंसी निकाली गई हैं उन सब के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन को आप ज़रूर डाउनलोड करके ध्यान से एक बार अपने सेक्शन को, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उस सेक्शन को पढ़ के आप आवेदन करें। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें अगर हम आगे चलें तो आपको जो ध्यान देना है वो है सैलरी का। स्किल्ड ग्रेड वन के लिए जो सैलरी रखी गई है वो रखी गई है 22,000 से लेकर के 83,180। इसके अलावा स्किल्ड ग्रेड वन IDA 8 के लिए 21,000 से लेकर के 79,380। स्किल्ड ग्रेड वन IDA 5 के लिए 17,000 से 64,000 और सेमी स्किल्ड ग्रेड वन IDA 4A के लिए 16,000 से 60,520। सेमी स्किल्ड ग्रेड वन IDA 2 के लिए 13,200 से 49,910 रुपये तक की सैलरी रखी गई है। सैलरी जो एज मैंने आपको बताया, एज जैसा कि 38 साल से लेकर के 18 साल, यानी कि 18 से 38 साल के बीच में अगर आपकी एज है 1 अगस्त 2019 से कैलकुलेट की जाएगी तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है। सेक्शन 9 में ऑफिशियल नोटिफिकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया गया है एंड दैट इज सेलेक्शन प्रोसीजर। सेलेक्शन प्रोसीजर को देखा जाए तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट ए में मेंशन किया गया है कि रिटन टेस्ट के बेसिस पर ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद शॉर्टलिस्ट करा जाएगा कैंडिडेट्स को ट्रेड टेस्ट के लिए। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है वो ये है कि परसेंटेज वेटेज क्या क्या है हर एक आपकी रिटन टेस्ट से लेकर के ट्रेड टेस्ट और एक्सपीरियंस तक। तो रिटन टेस्ट के लिए 30% की वेटेज रखी जाएगी, एक्सपीरियंस अगर आपको है तो उसके लिए 20% की वेटेज है और लास्ट में ट्रेड टेस्ट के लिए 50% की वेटेज रखी गई है। और ये सारा मिला करके जो 100% बन जाता है जिसके बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो इसके बेसिस पर ये पूरी सिलेक्शन होनी है दोस्तों। बाकी इस नोटिफिकेशन में आगे फिर दिया गया है कि आप इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप दोस्तों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लॉगिन करना है सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसके बाद आपको करियर्स के पेज पर जाना है और ऑनलाइन रिक्रूटमेंट में जा करके नॉन एग्जीक्यूटिव सेक्शन को आपको क्लिक करना है और वहाँ पर फिर आपके पास रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। अगर आपको इस पोस्ट से रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड, इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं और हम आपको उससे रिलेटेड आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ इसको आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है आगे और भी अच्छा काम करते रहने के लिए और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आने के लिए।
तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरी तरफ से आप सभी को इस वैकेंसी के लिए बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों अगर आप भी पाना चाहते हैं सबसे जल्दी अपडेट्स किसी भी लेटेस्ट सरकारी नौकरी के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लेकर के आते हैं लेटेस्ट सरकारी नौकरी से जुड़ी खबरें सबसे पहले।